प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज में एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज इस सीरीज का दूसरा पार्ट जो है वो अपलोड करने जा रहे हैं। आज के सेशन में हम फिर कुछ नए पांच क्वेश्चंस को देखेंगे जो हमसे पूछे गए हैं एग्जाम्स में, रीसेंट एग्जाम्स में। पहला क्वेश्चन जो है वो टाइम एंड वर्क से है, जो कि एक अच्छा क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्वेश्चन और क्वेश्चन के थ्रू कुछ नया भी सीखते हैं। कहा यह गया, रवि, मोहन एंड गोविंद कैन कंप्लीट टास्क इन 12 डेज, 10 डेज एंड 15 डेज रिस्पेक्टिवली। यानी कि रवि किसी काम को 12 दिन में करता है, मोहन उसी काम को 10 दिन में करता है और गोविंद उसी काम को 15 दिन में करता है। पूछा यह गया है, इन हाउ मेनी डेज कैन रवि, मोहन एंड गोविंद टुगेदर कंप्लीट द सेम टास्क। अगर तीनों इकट्ठे काम करें तो उसी काम को कितने दिनों में ये खत्म करेंगे। इस क्वेश्चन को करने का एक बहुत ही प्रोमिनेंट वे है, वो क्या है, एलसीएम मेथड। हम एलसीएम मेथड देखते हैं, एलसीएम मेथड के बाद एक चीज और देखते हैं, करते हैं शुरू। क्या कहा जाता है कि रवि ने जो है वो 12 दिन में किया है, तो यहाँ पे लिख लेंगे रवि का काम। मोहन ने जो किया है कितने दिन में किया है, 10 दिन में। और गोविंद ने जो किया है वो कितने दिन में किया है, 15 दिन में। तो जब काम सेम होता है, हम टोटल वर्क सपोज कर लेते हैं इन तीनों का एलसीएम विच इज समथिंग 60 यूनिट। जब टोटल वर्क सपोज कर लेते हैं तो इसके बाद हम निकालेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी का मतलब होता है यूनिट टाइम का वर्क, कि यूनिट टाइम में कितना काम किया गया। यूनिट टाइम का मतलब या तो एक दिन या तो एक घंटा। यहां पे दिनों की बात हो रही है, एक दिन का काम निकालेंगे। 12 दिनों में 60 हो रहा है तो रोज होगा 5, 10 दिनों में 60 हो रहा है तो रोज होगा 6, 15 दिन में 60 हो रहा है तो रोज होगा 4। अब अगर इकट्ठे काम करना है तो 6, 4, 10 और 5, 15 यूनिट काम हर रोज होगा। दिस इज एफिशिएंसी ऑफ रवि, मोहन एंड गोविंद वर्किंग टुगेदर। यानी कि ये तीनों इकट्ठे काम करते हैं तो हर रोज 15 यूनिट काम करेंगे। इन्होंने करना कितना है, 60 अपॉन 15, यानी कि 4 दिन लगेंगे और काम क्या हो जाएगा, खत्म। ऑप्शन बी इजी। अब इस चीज को और कैसे सोच सकते हैं वो आप यहां देख सकते हैं कि ए जो है, या कह सकते हैं कि जो रवि है, एक मोहन है और एक गोविंद है। रवि जो है वो 12 दिन में पूरा काम करता है, मोहन जो है वो 10 दिन में पूरा काम करता है और गोविंद जो है वो 15 दिन में पूरा काम करता है। और अगर हम परसेंटेज की टर्म्स में बात करते हैं तो जो टोटल वर्क होता है वो कितने परसेंट होता है जी, 100%। अब रवि जो है वो अगर 12 दिन में 100% काम करता है तो वह एक दिन में 100/12, जिसे हम कहते हैं 81/3% काम करेगा, कौन, रवि। अब मोहन जो है वो 10 दिन में 100% काम कर रहा है तो वो एक दिन में कितने परसेंट काम करेगा, 10%। ये आ गई मोहन की एफिशिएंसी। लास्ट में आया गोविंद, गोविंद जो है वो 15 दिन में 100% कर रहा है तो एक दिन में 6/2/3% काम करेगा। ये एफिशिएंसी आ गई है किसकी, गोविंद की। अब अगर तीनों से इकट्ठे काम लेना है तो पहला बंदा जो है ये देखिए, ये जो है कुछ 81/3% करेगा, दूसरा 10% करेगा और तीसरा 62/3% करेगा। तो जब आप इन तीनों का टोटल करेंगे तो आपके पास निकल के आएगा 25%। यानी कि ये एक दिन में 25% काम करते हैं और इनसे करवाना कितना है, 100%, यानी कि 4 times। 4 times का मतलब 100% काम हो जाएगा और कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। तो या तो इसे आप LCM से कर सकते हैं या आप इसे परसेंटेज से सोच सकते हैं। परसेंटेज वाला तरीका भी हमें पता होना चाहिए। ऑल्दो आप LCM से करेंगे तो आपको सफिशिएंट रहेगा, आपका आंसर सही आएगा बिल्कुल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। पार्टनरशिप का मतलब ये होता है कि जब 2 or more than 2, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा बंदे मिलके किसी एक बिजनेस को शुरू करते हैं तो उस बिजनेस को हम क्या कहते हैं, पार्टनरशिप का बिजनेस। क्या कहते हैं,
पार्टनरशिप का बिजनेस। और पार्टनरशिप के बिजनेस में दो चीज़ों की मेन अहमियत रहती है कि जो भी किसी बंदे का प्रॉफिट है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट पे और उसके टाइम पे। इन्वेस्टमेंट यानी कि जिसे हम कह सकते हैं कैपिटल, या हम कह सकते हैं पैसा, और टाइम आप ड्यूरेशन समझ ही पा रहे हैं। हमें कहा क्या गया है इसमें कि ए बी एंड सी स्टार्टेड ए बिजनेस, यानी कि ए बी और सी तीनों ने एक बिजनेस शुरू किया। ट्वाइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू थ्राइस द इन्वेस्टमेंट ऑफ बी एंड ऑल्सो इक्वल्स टू फाइव टाइम्स द इन्वेस्टमेंट ऑफ सी। कहा यह गया कि ए की डबल इन्वेस्टमेंट थ्री टाइम्स बी की इन्वेस्टमेंट के और फाइव टाइम्स सी की इन्वेस्टमेंट के क्या है, इक्वल। इसे हम रेशियो में कहते हैं ए बी सी में सिंगल रिलेशन। क्या कहते हैं इसे? ए बी सी में सिंगल रिलेशन। और अगर सिंगल रिलेशन है तो यहाँ पे हम ए बी सी की इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल लेंगे। कैसे निकाल लेंगे? हाइड मेथड लगा के। हाइड मेथड, ए की वैल्यू निकालनी है, ए को हाइड करोगे, 5 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 15। बी को हाइड करोगे, 5 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 10। सी को हाइड करोगे, 3 इंटू 2 क्या आ जाएगा, 6। तो ये हमारे पास ए बी सी की इन्वेस्टमेंट की रेशो आ जाएगी। कितनी आएगी? 15:10:6। यानी कि अगर ए ने 15 पार्ट्स लगाए, बी ने 10 लगाए और सी ने कितने लगाए जी, 6। अब जो टोटल प्रॉफिट है वो उनका कुछ 15,50,000 रुपए है। हमसे पूछा है कि बी का शेयर क्या होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे टाइम पे कोई बात नहीं की गई, तो यहाँ पे जो टाइम है, टाइम क्या है? कांस्टेंट। अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो प्रॉफिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा किस पे? इन्वेस्टमेंट, या क्या कह सकते हैं, कैपिटल। तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशो रहेगी वही किस चीज़ की रेशो रहेगी? प्रॉफिट की। देखिए 15, 10, 25, 25 और 6, 31, ये टोटल पार्ट्स आ गए प्रॉफिट के। 31 पार्ट्स की वैल्यू ये है, तो एक पार्ट की वैल्यू यहाँ से हमारे पास निकल के आएगी 50,000। हमसे पूछा क्या गया है? बी का प्रॉफिट, बी के पास पार्ट्स हैं जी 10, तो अगर 10 पार्ट्स देखा जाएगा तो 10 पार्ट्स में कितना आएगा बी का प्रॉफिट? 5,00,000, विच इज़ ऑप्शन डी। तो ये बात थी कि पार्टनरशिप में प्रॉफिट डिपेंड करेगा इन्वेस्टमेंट पे और टाइम पे, और अगर टाइम कांस्टेंट है तो जो इन्वेस्टमेंट की रेशियो रहेगी वही प्रॉफिट की रेशियो रहेगी। इन्वेस्टमेंट की रेशियो निकाल ली, प्रॉफिट की रेशियो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया उस हिसाब से। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो है ये सिंप्लीफिकेशन का पार्ट है। यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल ऑपरेशंस हैं। मल्टीपल ऑपरेशंस का मतलब मोर देन टू ऑपरेशंस हैं। जब मल्टीपल ऑपरेशंस हमारे पास आते हैं तो हमारा रूल क्या रहता है? बोर्ड मास। बोर्ड मास में सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी रहती है ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद ऑफ, ऑफ के बाद डिवाइड, देन मल्टीप्लाई, देन एडिशन एंड देन सब्ट्रैक्शन। इसे जब हम देखेंगे तो एक हमारे पास बाहर है, इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट कहते हैं, और इसके अंदर एक और ब्रैकेट है, और इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास दो ऑपरेशंस हैं। कौन से? एक प्लस का और एक डिवाइड का। तो सबसे पहले ये अंदर वाली ब्रैकेट सॉल्व होगी, बाहर वाली चीज़ें एज इट इज़ आ जाएंगी, 7+7 इंटू। अब ब्रैकेट के अंदर जो दो ऑपरेशंस हैं, एक प्लस है और एक डिवाइड है। देखेंगे कि डिवाइड की प्रायोरिटी प्लस से ज़्यादा है, तो पहले डिवाइड सॉल्व होगा। 7/7 हमारे पास कितना आएगा? 1। +7/7, ये हमारे पास पहले स्टेप के बाद इक्वेशन बन रही है। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, एक ही ऑपरेशन है, क्या बचा? 7+7 × 8+7/7। तो जब ब्रैकेट सॉल्व हो जाएगी, ब्रैकेट को हम हटा देंगे। अब हमारे पास कुछ ऑपरेशंस दिख रहे हैं जिसमें एक डिवाइड है, एक प्लस है, एक मल्टीप्लाई है। फिर बोर्ड मास देखोगे, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसकी आएगी? डिवाइड की। डिवाइड है 7 और 7 के बीच में, इट इज़ 7+7 × 8+7/7 = 1। डिवाइड खत्म हो गया, इसके बाद बारी आएगी मल्टीप्लाई की। तो जब इन्हें मल्टीप्लाई करोगे, यू विल गेट 7 × 8 = 56+1। इसे आप ऐड कर दोगे तो आपके पास आंसर निकल के आएगा 64। कोई ट्रिक नहीं है इसकी, सिंपल एक रूल है, उस रूल को आपको फॉलो करना पड़ेगा, दैट रूल इज बोर्ड मास। ये प्रायोरिटी वाइज जो है ऑपरेशंस जो है वो दिए जाते हैं। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी होती है ब्रैकेट, देन ऑफ, डिवीजन, मल्टीप्लीकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। कहा इसमें यह गया है
कि इफ द डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम इज 122 रुपए। यानी कि कुछ पैसा था वो सिंपल इंटरेस्ट पे चढ़ाया गया और वही पैसा कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी चढ़ाया गया। 3 साल के लिए सिंपल पे चढ़ाया और 3 ही साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट पे चढ़ाया। इसके चलते हुआ क्या, 3 साल में सिंपल और कंपाउंड का कुछ गैप आया, कितने रुपए का, 122 रुपए का गैप आएगा। भी क्यों आएगा, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में हमें इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलती है और यहाँ पे इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट नहीं मिलती। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं, देखो भाई अगर 5% कंपाउंड इंटरेस्ट है तो 5% की आप ये देखो कि फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/20, यानी कि 20 पे 1 की ब्याज तो 20 की चीज़ 21 हो जाएगी। और अगर 3 साल की बात है तो रेशो मेथड जो है लगेगा, जहाँ से हम प्रिंसिपल यानी कि 8000 और अमाउंट यहाँ से आ जाएगी 9261। यानी कि अगर 8000 पार्ट्स इन्वेस्ट करते हैं तो मिलेंगे कितने, 9261, अगर हम कंपाउंड इंटरेस्ट पे पैसा लगाते हैं तो। प्रिंसिपल तो सेम है, इसे ही प्रिंसिपल मान के सिंपल इंटरेस्ट लगाएंगे। अब देखें अगर 1 साल में 5% सिंपल इंटरेस्ट आती है तो हम सीधा कह देंगे 3 सालों में कितनी आएगी, 15%, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है, यहाँ पे बेस क्या रहता है जी, सेम। तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इन टोटल 15% ब्याज आएगी, तो इसका 10% होता है 800 जी, 5% हो गया 400, टोटल हो गया जी ये 1200 इसमें ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9200। यानी कि समझे, अगर तो 8000 रुपये कंपाउंड पे लगाते हो तो 3 साल बाद कितने मिलेंगे, 9261, और अगर सिंपल पे लगाते हो कितने मिलेंगे, 9200। यानी कि जो ये गैप आया कितने पार्ट्स का आया, दिस इज 61 पार्ट्स। इस 61 पार्ट्स के चलते कितने रुपए का डिफरेंस आ गया है, दिया गया है 122। तो यहाँ से एक पार्ट की वैल्यू आएगी 2, और आपसे पूछा है सम, सम का मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल के पास कितने पार्ट्स हैं, 8000, 8000 को जब आप 2 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 16000 एज आंसर विच इज ऑप्शन सी। तो ये है एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन एक बहुत इजी क्वेश्चन है, पूछा यह गया है द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द एक्सप्रेशन 12-6x एंड 4x+2 क्या हो इक्वल। वो पूछ रहा है कि x की ऐसी कौन सी वैल्यू है जहाँ पे ये दोनों वैल्यूज क्या होंगी, इक्वल। सॉल्व करेंगे तो भी ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, ये 2 यहाँ आके माइनस हो जाएगा, ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, ये 10x आएगा, 10x की वैल्यू जो है वो 10 आई और x की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, 1, विच इज ऑप्शन सी। या तो आप इसे सॉल्व कर सकते हैं या आप इसे कैसे कर सकते हैं, बाय ऑप्शन। बाय ऑप्शन मतलब x की वैल्यू आप उठाएंगे, पुट करेंगे, जहाँ पे सेटिस्फाई कर जाएगा कि ये दोनों इक्वल हैं, वो आपका क्या हो जाएगा आंसर, विच इज़ ए ईजी क्वेश्चन। तो ये थे आज के 5 questions। पहला था टाइम एंड वर्क से, उसके बाद आया पार्टनरशिप का क्वेश्चन, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ये है सिंप्लीफिकेशन का पार्ट, बोर्ड मास से ये क्वेश्चन आया है, ये एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट दोनों की बात की गई है, और लास्ट में एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिंपली हमें एक्स की वैल्यू निकालनी थी। आज के सेशन में हम यही क्वेश्चंस को देखेंगे, अगर किसी का कोई डाउट है तो वीडियो को दोबारा देख सकता है। अगर ये आपको वीडियो बढ़िया लगी तो इसे लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया है तो, और दोस्तों तक भी भाई शेयर कर देना जो आने वाले एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनका भी इस वीडियो से बेनिफिट होगा। आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी, शुक्रिया।